तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवव्रत वाजपेयी। तो आज एक बड़ी खबर आई। खबर यह आई कि बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की बात सामने आ रही है। अब बाबा रामदेव की नोकझोंक हुई थी पिछले दिनों एक डॉक्टरों के एक ग्रुप से, और उसमें खासी नोकझोंक हुई। यहां पर बाबा रामदेव ने अपने आयुर्वेद के तर्क दिए और वहां पर डॉक्टरों के ग्रुप ने अपने तर्क दिए, और बाबा रामदेव को उन्होंने ठहराया झूठ का पुलिंदा बोलने वाला। और ये कहा गया कि जो कोविड के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसमें बाबा रामदेव ने एक भ्रम फैलाया है और कोविड के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर किया है। अब सवाल उठता है कि अगर बाबा रामदेव पर ये केस चलता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दी गई है मुजफ्फरपुर कोर्ट में, और कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी दे दी है, 7 जून तारीख मुकर्रर की गई है सुनवाई की। तो ऐसे में अगर ये आरोप साबित होते हैं बाबा रामदेव पर तो उन पर कौन सी कार्रवाइयां हो सकती हैं, इसको लेकर के भारतीय कानून क्या कहता है, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि इस कानून में किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो बात करते हैं देशद्रोह कानून की। तो ये अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया कानून था, ठीक है, और इसमें वक्त वक्त पर बहस भी होती आई है। कई बार इस कानून को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस ने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और कहा था कि अगर हम जीत करके आते हैं तो हम इस कानून को हटा देंगे, क्योंकि 2016 से लेकर के 2020 तक सैकड़ों लोगों को इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं। तो जाहिर है कि ये जो राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, उसके अधिकार पर गहरी चोट करता है। और अब आगे सुन लीजिए कि इंडियन पीनल कोड क्या कहता है इसके बारे में। तो इंडियन पीनल कोड के 124A के तहत देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक किसी तरह के लिखित या मौखिक मतलब मुंह से बोले हुए, लिखित मतलब हाथ से लिखी हुई है या फिर अन्य तरीके से लिखित, शब्दों चिन्हों के जरिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर नफरत फैलाने या असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। अब आईपीसी की धारा 124A में एक और प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि असंतोष में विश्वासघात और घृणा को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये धारा आगे कहती है कि अगर किसी बयान के जरिए सरकार या सरकार के द्वारा उठाए गए किसी कदम का विरोध होता है तो वे देशद्रोह के दायरे में नहीं आएगा, जब तक कि उस बयान से किसी तरह की घृणा, नफरत या संतोष का माहौल नहीं बनता। और आगे क्या कह रहा है, किसी प्रशासनिक कदम का विरोध भी देशद्रोह के दायरे में तब तक नहीं आता जब तक इसे घृणा या नफरत का वातावरण इससे पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सजा का क्या प्रावधान है, हैं? तो ये भी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कहा गया कि आजादी के बाद देशद्रोह के कानून के अंतर्गत सजा पाने वाले जो मामले हैं वो बेहद कम रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आरोप साबित नहीं हो पाते। हालांकि देशद्रोह का कानून सख्त है, ऐसी बात नहीं है। इस कानून में किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। अब बताइए, वैसे आप पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी तो वारंट की जरूरत होगी, लेकिन इस मामले में वारंट की जरूरत नहीं होगी, पुलिस डायरेक्ट आकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें आरोपी पीड़ित पक्ष के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। देशद्रोह का कानून गैर जमानती होता है, और इस कानून के तहत देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कितना संगीन आरोप है। अब इस आरोप में बाबा रामदेव फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना आसान है बाबा रामदेव पर यह मुकदमा चलाना और साबित करना। तो ये एक टेढ़ी बात है। अब उन पर आरोप ये है कि उन्होंने एलोपैथी को बुलशिट बताया है, उन्होंने उसको इडियट साइंस बताया है।
बड़ी सारी चीजें हैं और ये सारे जो आरोप हैं वो साबित करने पड़ते हैं कोर्ट में। हमारे और आपके बोलने से यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब देखिए, एक जो साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला है यहाँ पर, और उन्होंने यही कहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चीजों को साबित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, वरना ऐसी बात यहाँ पर नहीं बन पाएगी। तो ये बात हो रही थी बाबा रामदेव के केस को लेकर के। अब आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उन पर बातें करूंगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अगली बार हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।